बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे स्टिंगिंग नेटल, जिसे बिच्छू बूटी भी कहते हैं, और होम्योपैथिक नेम है अर्टिका डायोसा। ये किस तरह काम करती है और इसके क्या फायदे हैं, तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। व्यूवर्स, बिच्छू बूटी को स्टिंगिंग नेटल भी कहते हैं। इस जड़ी बूटी को सदियों से अद्वियात में खास मकाम हासिल है। कमर दर्द के लिए इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है। जबकि कई सौ साल पहले रोमन आर्मी यानी रोमियो की जो फौज होती थी, अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए इसे अपने जिस्म पर अप्लाई करते थे। अगर इसके पत्तों को बिना किसी हिफाजत के पकड़ा जाए या टच किया जाए तो वो टेम्परेरी जलन, इचिंग और खारिश कर सकती है। इसलिए इसको एहतियात से पकड़ कर काटना चाहिए। ये आपको किसी भी पंसार या हर्बल स्टोर में मिल जाएगा, इसलिए खुद काटने और तकलीफ उठाने से बेहतर है कि इसे मार्केट से खरीद लिया जाए। इसे चाय के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें तमाम ज़रूरी विटामिंस और मिनरल्स वगैरह मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें पॉलीफेनॉल्स और पिगमेंट्स वगैरह भी पाए जाते हैं। आमतौर पर सोजिश हमारे जिस्म में खुद को ठीक रखने और इन्फेक्शन से लड़ने का कुदरती तरीका है, लेकिन जब हमारे जिस्म में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये नुकसान का बायस बनती है। माहिरीन का कहना है कि इस बूटी में ऐसे कंपाउंड्स मौजूद हैं जो सोजिश को दूर करने का बायस बनते हैं। अगर इस बूटी की चाय बनाकर पिएं तो बुखार में काफ़ी रिलीफ मिलता है, और जो हे फीवर की सिम्टम्स होती हैं जैसा कि वाटरी आइस, इचिंग नोज़ और आपको छींके वगैरह आती हैं तो उसमें भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में हेल्प करती है। ब्लड प्रेशर होने की तो बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं और ये जानलेवा भी हो सकता है। अगर इस बूटी का इस्तेमाल किया जाए तो ब्लड प्रेशर से भी रिलीफ मिल जाता है। इसके अलावा ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने के लिए काफ़ी मुफीद है। इसमें UD1 नामी एक्टिव होता है जो डायबिटीज़ के मरीजों में इंसुलिन की तरह काम करता है, इसलिए इसे खून में शुगर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बिच्छू बूटी सांस की सेहत को भी बेहतर बनाती है। मौसमी एलर्जी और सांस के मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए इसका इस्तेमाल मुफीद है। इसका अगर कहवा बनाकर पिया जाए तो ये हिस्टामिन रिसेप्टर्स के साथ मिलकर एलर्जी के खिलाफ जिस्म के रिएक्शन को कम करने में हेल्प करती है। इसकी चाय नाक की सोजिश, खारिश और खुश्की को दूर करने में मुफीद है। इसके अलावा ये एजमा के पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी मौसर है। अगर बात करें गठिया के दर्द के लिए तो इस दवा का जो कहवा है वो गठिया के दर्द वालों के लिए भी मुफीद है। ये जोड़ों के दर्द में काफ़ी रिलीफ देती है और दर्दों में आराम पहुँचाती है। बड़े उम्र के मर्दों में प्रोस्टेट एक बहुत बड़ा मसला होता है। इसका इस्तेमाल प्रोस्टेट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा ये प्रोस्टेट के डिफरेंट प्रॉब्लम, जैसे एनलार्ज प्रोस्टेट हो या पेशाब का प्रॉब्लम हो, तो इसके लिए भी काफ़ी मुफीद है। अगर बात करें मैदे के अमराज में तो ये उसमें भी काम करती है। ये हाजमे की सेहत को बेहतर बनाती है और पेट के मसाइल जैसे कि असहाल और कब्ज में मदद देती है। ये गुर्दे की पथरी को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है और गुर्दों की ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करती है। इसके अलावा ये स्प्लीन, पैंक्रियाज और थायराइड की हेल्थ के लिए भी काफ़ी मुफीद है। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराता चलूं, अगर आप मॉलेज हेल्थ मैगजीन के ई मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिया गया व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के हमें व्हाट्सएप कीजिए, और हर महीने मॉलेज हेल्थ मैगजीन अपने मोबाइल पर पढ़िए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। व्यूअर्स, ये पेशाब की नाली में अगर इन्फेक्शन हो जाए यानी UTI, उसमें भी काफ़ी मुफीद है। अगर पेशाब करते हुए जलन हो, दर्द हो और पेशाब करते हुए बहुत ज़्यादा तकलीफ हो तो उसमें ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा ये स्किन प्रॉब्लम जैसा कि एक्जिमा, उसमें भी मुफीद है। एल्जेमर में भी सपोर्टिंग है। अब हम बात करते हैं इसकी चाय बनाने का तरीका। वैसे तो नेटल टी मार्केट में या सुपरमार्केट्स में ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो इसकी हर्ब लेके आप इसको क्रश करवा लें और इसके बाद 1/4 चमचा 1 कप उबले हुए पानी में आप मिक्स करके पी सकते हैं। इसका जायका सब्जियों से मिलता जुलता होता है। मजीद अगर कुछ इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको टच करने से खुजली, खारिश वगैरह हो सकती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में इसको यूज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी भी किस्म के ब्लड थिनर्स या फिर डायबिटिक की दवाई या डायूरेटिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो उसको यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कीजिए। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो को पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।